आज मैं आपको ब्लूप्रिंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हम फालतू की चीजें ना पढ़ करके जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो चीजें ही पढ़ेंगे। हाँ, इससे ध्यान देंगे, लेकिन मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, बहुत ही अच्छी एक बार ही बताऊंगा और फुल आपको कंप्लीट याद करा दूंगा। मुझे लगा कि कुछ विद्यार्थियों को मालूम होगा, पर कुछ विद्यार्थियों को शायद ना संभव मालूम हो, ऐसा मुझे लगता है। यदि मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो एक बार मैं आपको और याद करा दे रहा हूँ। देखिए, मेरा उद्देश्य केवल रेमेडियल क्लास पढ़ाना नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से अच्छे नंबर कम से कम ला सकें, ठीक है, मेरा ही टारगेट है। तो अब अभी तक जो हुआ तो ठीक है, उसकी टेंशन ना लें। अब मैं आप देखिए, ये मार्केट स्कीम दी गई है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, आपके सामने एक पेज ओपन होता है। ऐसी बात नहीं है, शायद पिछले साल ही मैंने आपको थोड़ा बहुत नाइन्थ में समझाया हुआ होगा, जो बच्चे मेरी क्लास में रहे होंगे, ठीक है। चलिए, ये क्या लिखा हुआ है, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाईस्कूल परीक्षा 2023। किसी को डाउट तो नहीं है, 23-24 है ना, ये सत्र 2023-24 ही चल रहा है, बहुत बढ़िया। अंतिम योजना कक्षा दसवीं, देखिए थोड़ा शॉर्ट हो गया तो घबरा नहीं, और एक विषय कौन सा है, अंग्रेजी, उड़ान 75, समय 3 घंटे। ये वीडियो बनाने वाले को भी समझ आ रहा होगा, ठीक है। क्या करते हैं, अर्थात आपको 75 मार्क्स में से 25 मार्क्स आपको 25 नंबर पास होने के लिए आवश्यक है कि नहीं, ये क्लियर है सभी को। और 25 का आपका क्या है, क्या है प्रोजेक्ट है, उसमें भी आपको 25 में से 24-23 नंबर तो लाने लाने, और बहुत सरल काम होता है, शिक्षक जो आपको प्रोजेक्ट दे वो दे दो, आसानी से नंबर आपको मिल जाते हैं। चलिए चलते हैं, ये महत्वपूर्न है आपके लिए बहुत। अब चलते हैं इकाई अध्याय, सेक्शन 1 के मार्क्स रीडिंग, अनसीन पैसेज लिखा हुआ है। अनसीन पैसेज का मतलब क्या है, अर्थात ऐसी पैसेज जो आपने अभी तक नहीं देखी, तो क्या ये कैसे आएंगे। इसका केवल और केवल उत्तर यह है मेरे पास विद्यार्थियों कि केवल आपको अभ्यास करना पड़ेगा। गणित अगर मुझसे कोई पूछता कि सर कैसे पास हो, मैं कहता हूं आपको कुछ भी नहीं गणित में आता हो, अगर आप अभ्यास कर लें तो आपको सब कुछ आ जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप अनसीन पैसेज, मैं आपको कम से कम 10 से 15 अनसीन पैसेज प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी पिछले सत्र की, और बेखूबी उसको समझाऊंगा, तो क्या इतने में आपका काम चल जाएगा। क्योंकि मैं देखता हूँ कि टेंथ की जो पैसेज आती है अनसीन पैसेज, वो बहुत ही कठिन आती है, समझ पा रहे हो ना, हर बार कठिन आते हैं, लेकिन आपके लिए कठिन नहीं आते, टीचर्स के लिए भी कठिन आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5 नंबर के अनसीन पैसेज, ये क्लियर है सभी को। क्वेश्चन नंबर सेकंड 5 नंबर के अनसीन पैसेज, अर्थात सेक्शन ए क्या, रीडिंग मतलब इसमें केवल आपको घर में कुछ भी नहीं पढ़ना है, वहीं पे जाना है और पढ़ के उसके जवाब आपको देने हैं। इतनी बात समझ में आई थी, अर्थात आपको तो आप सोच रहे होंगे ये तो बड़ी मजेदार बात है, घर से पढ़ के नहीं जाना है और वहीं जाके कर लेना है, तो इससे क्या होगा, नहीं, इसके लिए आपको बेहतर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो तुक्का से कम मैंने देखा तुक्का मारने वालों के 2-3 नंबर के कभी कभी सही होते हैं और कभी कभी 3-4 नंबर के। आइडियाज आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे कि हम सॉल्व कैसे करें। पिछले साल में मैंने भी आपको बताया था, लेकिन इस साल और बेहतर तरीके से रणनीति से हम आपको बताएंगे कैसे सॉल्व करना है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आप भयभीत ना हो, कंफ्यूज नहीं होना, जैसे हम लोग 3 शिक्षक पढ़ा रहे हैं, अगर कहीं कोई कंट्राडिक्शन आ रहा है आप लोगों को कि सर इस साल मैडम ने ऐसा बताया, मैडम ने ऐसा बताया, हेलो मैडम ने ऐसा बताया, उन्होंने ऐसा बताया, तो आप मुझे बताइएगा कि सर ये वाली बात है, जैसे एप्लीकेशन में कुछ विद्यार्थियों ने बताया कि मैडम ने ऐसा वाला लिखा था और आपने ऐसा वाला लिखा था, तो मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा पूरा। माध्यमिक शिक्षा मंडल अर्थात जो आपका एग्जाम बोर्ड है वो कौन लेता है, माध्यमिक शिक्षा मंडल ही लेता है, कौन लेता है, माध्यमिक शिक्षा मंडल। सेक्शन ए मैं आपके अनसीन पैसे 5 नंबर की अनसीन पैसे सेकंड मतलब सेम आएंगे। एक चीज और बता दूं, इसमें एक अनसीन पैसेज आपकी बहुत थोड़ा बहुत सरल आती है और एक कभी दूसरी वाली सरल आ जाती है, कभी फर्स्ट वाली, पर ज्यादातर मोस्टली एक उनमें से कठिन होती है। ये बात समझ में आ गई, मतलब 2 पैसेज आपकी बाहर से आना है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, अगर आपने यही से मेहनत कर ली तो आपके 10 नंबर में से मैं चैलेंज करता हूं कि 9 या 8 नंबर आपको आराम से आ जाएंगे। 2 नंबर इसलिए कभी कभी एक 2 प्रश्न कठिन कर देता है जो विद्यार्थियों को नहीं समझ में आता, पर 8 नंबर की गारंटी मैं लेता हूं अगर आपने 10 से 15 अनसीन पैसेज आपने अच्छे से कर लिए। और मजे की बात यह है कि पुरानी पैसे भी उठाने वो कई बार दे देते हैं। चलिए अब आता है सेक्शन बी, 16 नंबर का है, राइटिंग है, ये आपके सब पेपर होना 2023-24 पिछले भी दिखा रहा हूं, फालतू नहीं दिखा रहा हूं। नोट मेकिंग, टाइटल नोट्स, ये 3 प्रकार की नोट मेकिंग होती है, आपको 1-2 प्रकार की सिखाई होगी, 1-2 प्रकार की मैं बताऊंगा इसमें जो आपको आसान लगे वो आप सीख लीजिए। कितने नंबर के है, 4 नंबर। लेटर राइटिंग कितने का है, 4 नंबर का। एक इसमें फॉर्मल आता है, एक इसमें इनफॉर्मल। फॉर्मल कैसा है थोड़ी देर में बता दो, मौसी को यदि आप पत्र लिख रहे हैं तो क्या हो गया,
फॉर्मल की इनफॉर्मल, फॉर्मल की इनफॉर्मल, फॉर्मल फॉर्मल क्या लगे इनफॉर्मल, अरे इनफॉर्मल ऐसे मतलब जैसे अपने दोस्त को पत्र भेजना है इनफॉर्मल की फॉर्मल, इनफॉर्मल अपने पापा को पत्र भेजना है क्या होगा इनफॉर्मल, और अपने बुआ जी को भेजना है तो, अपने पड़ोस के अंकल को भेजना है तो, अपने बड़े फूफा जी को भेजना है तो, अर्थात वहां पे जैसे पापा जी से आप मिलते हो सुबह से गुड मॉर्निंग हो तो आपकी इच्छा अनुसार बोलने, तो ऐसे नहीं होते सुबह से उठो पापा गुड मॉर्निंग ऐसा करते हो क्या, वहां पे व्यवस्था नहीं है कि पापा 8 बजे उठेंगे फिर आप गुड मॉर्निंग करोगे, मेरी एक व्यवस्था है हम यहाँ पे 10:30 बजे आते हो, आप भी आते हो 10:30 बजे, या अभी आप रिमेडियल क्लास लग रही तो आप 9 बजे उपस्थित हो गए है ना, यहाँ पे फॉर्मेलिटी है, इसलिए कौन सा होगा जो आप प्रिंसिपल या टीचर को जो लिखते हो उसको बोलते हैं फॉर्मल लेटर, और जहां पे ये सब चीजें नहीं होती वहां पे क्या होता है इनफॉर्मल, इतनी बात समझ में आई। अभी मैं आपको विस्तृत समझाऊंगा लॉन्ग कंपोजिशन एसे आर्टिकल पैराग्राफ, इसमें दो ऑप्शन आपको दे देता है, एक एसे दे देता है और एक कह देता है कि आप इसमें संक्षेप में क्या करो लिखो, तो आप लिखते हैं ठीक है। फिर आता है पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन, अर्थात एक चित्र दे देगा उसमें कुछ टॉपिक दे देगा 4 लाइन, ये भी बहुत आसान होता है आपको कुछ 3-4-5 लाइन अभी मैं बताऊंगा विस्तृत। ये कितने नंबर का आता है 3, अर्थात 16 मार्क्स का किससे आ रहा है सेक्शन बी से राइटिंग वर्क, एक में आपको एप्लीकेशन में लिखना है, एक में आपको नोट मेकिंग बनाना है, एक में आपको इसे लिखना है और एक में आपको कुछ 2-3-4 लाइन 10 लाइन 15 लाइन जो भी आप लिख सकते हो वो लिखना है, उसको बोलते हैं पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन, अर्थात पिक्चर आपको बना के दी गई है और पिक्चर को देख करके आपको कुछ सेंटेंस क्या करना है लिखना है। तो 2 सेक्शन हो गए आपके, सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब अगला सेक्शन है आपके सामने सेक्शन सी, कितने नंबर का 10 मार्क्स। मैं आपको बता दूं दरअसल अगर सबसे अच्छी इंग्लिश लिए किसी को आनी है तो जब तक आपकी इंग्लिश कंप्लीट नहीं होगी ग्रामर नहीं आएगी जब तक बेहतर इंग्लिश आपको नहीं आ सकती। अगर ग्रामर आपको आती है वर्ड पावर आपके पास अच्छा है तो इंग्लिश में आपको कोई हरा नहीं सकता कहीं। क्या आती है 2 चीजें धुरी है इसकी, ग्रामर और वर्ड पावर, ग्रामर और वर्ड पावर, ये 10 मार्क्स का है। फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत ही सरल फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं ध्यान रखिएगा। डू एंड डायरेक्टेड, जैसा कहा जाए वैसा, कभी कह देगा नेगेटिव बनाओ, कभी कह देगा इंटरोगेटिव बनाओ, कभी कह देगा क्या करो सो दैट का प्रयोग करो, कभी कह देगा बिकॉज को जोड़ो, यही आते हैं, कभी इन और आउट का प्रयोग कर देता है, कभी कह देता है बट और यट को लगाओ, बट और यट एक ही जैसे हैं। क्या लगेगा ये है 5-5 नंबर, 5 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स ध्यान रखिए। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, पीछे बैठे हुए विद्यार्थी कृपया यहाँ पे ध्यान दें, 5 नंबर का क्या आना है लेकिन वो आपको 6 दे देता है, कभी कभी 7 भी दे देता है, तो आपको कितने करने होते हैं 5, और डू एंड डायरेक्टिव कितने करने होते हैं, कितने करने होते हैं 5। अब चलते हैं सेक्शन डी 39 मार्क्स, 39 मार्क्स का है तो 39 मार्क्स आपको दिख रहा है टोटल एमसीक्यू फ्रॉम द फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट अगर आपको मैडम लोगों ने बताया हो नहीं बताया तो मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट फ्लाइट में 2 प्रकार की, एक में प्रोज है और एक में पोएट्री, जो पोएट्री जो मतलब पोयम है उनको बोलते हैं पोएट्री, जो पोएम्स है उनको क्या बोलते हैं, और जो लेसन स्टोरी वगैरह है उनको क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट फ्लाइट है ज्यादातर प्रोज से ही आता है, किससे आता है अर्थात स्टोरी वगैरह से 4 आपके विकल्प आते हैं वो 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज फर्स्ट फ्लाइट, फर्स्ट फ्लाइट में जो स्टोरी होगी उससे 2-3 प्रश्न एक लाइन दे देता है, एक पैराग्राफ या कुछ भी पूछ लेता है, उससे 3 नंबर के प्रश्न, और एक प्रश्न तो बहुत आसान होता है क्योंकि उसी रिलेटेड वो पूछ लेता है कि लेसन क्या है, जैसे उन्होंने बता दिया अ लेटर टू गॉड, उससे एक संबंधित पैराग्राफ दे दिया, उसने पूछा कि ये कौन से लेसन से संबंधित है, तो आप जब आपने लेसन पढ़े होंगे तभी तो आपको पता होगा ना, इसके लिए आपको थोड़ा बहुत कंटेंट पढ़ना आवश्यक है ठीक है। कितने नंबर का आता है क्वेश्चन नंबर 10, 3-3 कितने नंबर हो गए 6 नंबर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट, दो नंबर के 6 प्रश्न 11 नंबर प्रश्न में करने होते हैं। मैं आपको बता दूं सबसे पहले यदि आपने ऐसे कोई भी प्रश्न कोई भी शिक्षक मुझे लगता है जो ठीक ठाक पढ़ाता है अगर आपको 5 से 10 प्रश्न बता देगा गारंटी है कि वही प्रश्न घूम घूम के आते हैं, थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो सकता है पर 5-10, 5-6, 5-6 ये आपको अगर वो 10 बता देता है तो उसमें से 4-5 तो आई जाते हैं 100% गारंटी। चलिए आगे ये क्या है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पोएट्री से आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 12, दो नंबर के 2 प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, क्या लिखा हुआ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट,
अर्थात दूसरी जो बुक है सप्लीमेंट्री बुक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दो बुक है आपकी, एक का नाम फर्स्ट लाइफ, दूसरी का नाम फुटप्रिंट विदाउट फीट। समझ में आ गई ना? तो फुटप्रिंट जो आपकी है उससे केवल और केवल 7 नंबर का आना है। कितने नंबर का? मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिखाई दे रहा है, फुटप्रिंट विदाउट फीट एक प्रश्न आएगा, कितने नंबर का? 3 नंबर का। और क्वेश्चन नंबर ये दिखा 13 और 16 कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर। तो फुटप्रिंट्स पे ज्यादा आपको मेहनत नहीं करना है, ना उससे विकल्प आना है। तो काहे को इसे पढ़ेंगे हम, फुटप्रिंट्स के विकल्प पढ़ेंगे क्या? केवल और केवल दो दो नंबर के दो प्रश्न, मतलब 4-6 अपन कंप्लीट कर लेंगे, 10 कंप्लीट कर लेंगे, 20 कंप्लीट कर लेंगे और 3-3 नंबर के 10 प्रश्न। 7 नंबर का केवल किससे आना है? कौन सी बुक से? फुटप्रिंट्स। उससे एक भी विकल्प आपको नहीं आने। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं? अभी मैं रिवाइज करूंगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये समझ में आ गई बात? अब देखिए जो आपकी दूसरी बुक है 39 नंबर, वो कहां आएगी? सबसे ज्यादा जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट है उससे आ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 12 है, देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट, ये भी पोएट्री से आ रहा है। फिर इसके बाद आपका ये देखिए शॉर्ट आंसर टाइप, ये प्रोज से आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, और ये 12 पोएट्री से आ रहा है, 13 आपका फुटप्रिंट से आ रहा है, 14 कहां से आ रहा है? प्रोज, प्रोज मतलब फर्स्ट फ्लाइट की स्टोरी से आना है। दो दो नंबर के दो प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13 फर्स्ट फ्लाइट की स्टोरी से दो दो नंबर के कितने प्रश्न आना है? दो प्रश्न आना है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम पोएट्री कितने नंबर का आना है? कहां से आना है? पोएट्री से एक प्रश्न आए। तो 14, 15, 16 दो बुक से आ रहे हैं और एक बुक में दो भाग है, प्रोज और पोएट्री। समझाया मैंने अभी। तो 14, 15, 16 कहां है? प्रोज और पोएट्री। 14 कौन सा कहलाए? फर्स्ट फ्लाइट। 15 कौन सा कहलाए? फर्स्ट फ्लाइट। एक में प्रोज, एक में पोएट्री लिखा हुआ है। और 16 नंबर कौन सा क्या है? ये आपको फुट पढ़ सकते, जिसको चाहे तो आप बढ़िया सा बना लीजिएगा। ये आपको अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है तो मैं आपको भेज दूंगा, मुझे बताइएगा। अगर आप ईमानदारी से अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, गारंटी है कि आपको इंग्लिश में 82 आपको अगर वो नंबर थोड़े मिला दिए जाए, 70 से नीचे नंबर कभी नहीं आएंगे, बस बच्चे डर जाते हैं। मैं कहता हूं आपको रीडिंग ही नहीं आती है ना, ना लेको कोई दिक्कत नहीं, पर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो कर लोगे ना, गारंटी है। पिछले साल भी विद्यार्थियों के बहुत सारे नंबर आए, ऐसे ऐसे विद्यार्थी जो पास होने के कगार पे नहीं थे, पूछिएगा कभी, विद्यार्थी सही बताते नहीं कभी कभी, और ये है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज, प्रोज से कितना आ रहा है? 3 का एक आ रहा है। एक्सट्रैक्ट मतलब एक जो कई सारी पोयम होती है उसमें से एक स्टेंजा आपको निकाल के दे देंगे, वो कहेंगे कि इसकी जो पोयम है इसके राइटर कौन है, और ठीक है ना, इस तरीके से पूछेंगे और 3 नंबर का भेजेंगे, ठीक है। इसके बाद है द वर्ड लिमिट फॉर दी क्वेश्चन इज, लिमिट क्या है पूछने दिया गया है, वेरी शॉर्ट आंसर कितने आ रहे हैं? 30 वर्ड्स में लिखना है, जो बहुत छोटे आंसर है 30 वर्ड में। मुझे लगता है कि 30 वर्ड में लिखने का मतलब क्या है? कितनी लाइन? 2 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, पर ऐसा कुछ नहीं। अगर आपका आंसर कंप्लीट हो रहा है तो आपको नंबर मिलेंगे, बस शुद्ध होना चाहिए, सही होना चाहिए। इसकी बात समझ में आ रही है? चलिए इसके बाद शॉर्ट आंसर, ये क्या है शॉर्ट आंसर? 75 वर्ड्स, वेरी शॉर्ट 30 शब्दों में, शॉर्ट थोड़ा मतलब और ज्यादा, तो कितने वर्ड्स में लिखना है? 75 वर्ड्स में। लॉन्ग आंसर 120 वर्ड्स, लॉन्ग आंसर में आपका ऐसे हो गया, ये भी आ जाता है, नोट मेकिंग हो गया, है ना, ये सब चीजें। और जो प्रश्न होते हैं 3-3 नंबर के, लॉन्ग आंसर एनालिटिकल टाइप 120 वर्ड। समझ में आ गई बात? ऐसे भी आपका, एप्लीकेशन भी आपका, और क्या, नोट मेकिंग भी आपका, और क्या, और 3-3 नंबर के सारे प्रश्न। ये आपको कितने शब्दों में लगभग लिखना है? 120 का मतलब है 1 से 1.5 पेज, इससे ज्यादा कुछ नहीं। विद्यार्थियों ये रहा आपका ब्लूप्रिंट, पर मैं चाह रहा हूं कि एक बार आप लोगों से पूछ लूं, आप बताइए सेक्शन ए कितने नंबर का आता है? उसमें क्या आता है? बहुत सही। सेक्शन बी में क्या आता है? सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू होता है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आता है? कितने नंबर का? 4 नंबर का। फिर 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या आता है? लेटर, राइटर फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर, यही आता है ना, कितने नंबर का आता है? ये एकदम याद ही कर लेना, फिर मैं आगे बताऊंगा कि कहां पे नंबर आपको मिलते हैं, कहां पे नहीं मिलते हैं, एकदम एग्जैक्टली याद कर लेना, इसकी गारंटी है। आज तक का रिकॉर्ड है, अगर बच्चे ने ध्यान से पढ़ा है कोई बच्चा फेल नहीं हुआ मेरी क्लास, ये गारंटी है, याद रखना।
क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है? क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या था? क्या था? चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपने नोट टेकिंग बताया, क्वेश्चन नंबर फोर में आपने फॉर्मल फॉर्मल, तो दोनों में से एक एप्लीकेशन ज्यादा कम लिखते हैं, और क्वेश्चन नंबर फाइव में ऐसे, क्वेश्चन नंबर सिक्स में वो भी दो तीन नंबर का प्रश्न निकला था, पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन, ये हुआ सेक्शन बी समाप्त। कितने नंबर का? 16, क्योंकि चार और चार आठ, आठ पांच 13, और 13 तीन कंप्लीट, सेक्शन सी में आना। पांच नंबर के खुलता ब्लैंक्स वो ग्रामर से आते हैं, पांच नंबर के डू डायरेक्ट, पांच पांच कितने हुए? सेक्शन सी कंप्लीट, सेक्शन डी में आना। क्वेश्चन नंबर नाइन कहां से आता है? प्रोस की पोएट्री से, प्रोस से आता है, कहां से आता है? अर्थात किताब में जो स्टोरी है उनके आपको एमसीक्यूज निकालना है, पोएम से नहीं, उससे कभी कभी का आपको एमसीक्यू देता है, मैक्सिमम आपकी कहां से आता है? प्रोस से। समझ में आएगी बात? अर्थात आपको जो आपकी जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट नामक बुक है उसकी जितनी स्टोरी है उनको आपको जो है अंडरलाइन करना है हर वर्ड्स के नीचे, तो आप इस तरीके से अगर लेसन पढ़ लेते हैं तो आपके एमसीक्यू गलत नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या आएगा? प्रोस से, हेलो प्रोस से कोई भी एक लेसन का एक पैराग्राफ उठा के दे देगा और कह देगा एक नंबर तो आपको मिल ही जाना है, क्योंकि अगर आपने लेसन पढ़ाया है तो आपको लेसन का नाम तो याद ही हो जाएगा ना, उसको लिखना भी नहीं है, जो विकल्प दिया हो उसी को लिख करके और टिक लगा के आंसर लिख दो। क्लियर इतनी बात? क्वेश्चन नंबर 10B वो क्या आएगा? पोएट्री। आपने पोएम्स पढ़ी ना, मैं पूछ रहा हूँ सीरियसली, ध्यान दे रहे हैं कि नहीं? पोएम जो आप पढ़ेंगे उनसे जो पूछा जाएगा तीन नंबर का, उसमें भी आपको बता दूं दो नंबर, एक नंबर फ्री का। क्या? अगर आपने कंटेंट्स में जाके पोएम के पोएट नेम और पोएम नेम ये अगर आपने पढ़ लिया तो आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होता है बताइए? क्वेश्चन नंबर 11 प्रोज से दो दो नंबर के छह प्रश्न, सात दिए रहेंगे छह करना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहां आएगा? कहां से? क्वेश्चन नंबर देखो ये दिया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12 ले बहुत बड़ा कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 60 अंक से का क्वेश्चन था पोएट्री, दो दो नंबर के दो प्रश्न आने, सोचिए दो दो नंबर के केवल दो प्रश्न, अभी मैं गिनता हूं कि पोएट्री से कितना आ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 क्या आया है? फुटप्रिंट से, दो दो नंबर के दो प्रश्न। इसके बाद आपके जो है फर्स्ट फ्लैग से क्या माने, क्या माने ठाकुर जी लॉन्ग सर 14, 15, 16 ये आपके फर्स्ट फ्लाइट के प्रोस से, 50 नंबर पोएट्री से, और 60 नंबर कहां से आएगा? फुटप्रिंट विदाउट फीट से। ये रहा आपका फुटप्रिंट जो मैंने आपको समझाया, प्रोस दिस।